औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर, गुलाम कादर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? ओके बेटा, आज हम लोगों ने नाइन्थ क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू ALP, आप लोगों के पास कौन सी पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह 2021 के एग्जाम्स में जो पेयरिंग स्कीम आप लोगों को फॉलो की जाएगी, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों के पेपर के दो हिस्से होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव और जो सेकंड होता है वो सब्जेक्टिव होता है। दो हिस्से आप लोगों के पास होते हैं, एक सब्जेक्टिव पोर्शन का और एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन का। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स, कोई ट्रू फॉल्स, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ MCQs बेस्ड होता है। और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन को। इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों के पास MCQs होंगे और किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे, सबसे पहले हम इस चीज को मॉनिटर करते हैं। चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9, आई रिपीट, चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9, इन चैप्टर्स में से आप लोगों को एक एक MCQs आएगा। वन में से भी एक आएगा, थ्री में से भी एक आएगा, फोर में से भी एक आएगा, सिक्स में से भी एक आएगा, सेवन में से भी एक आएगा और नाइन चैप्टर में से भी एक MCQ आएगा। उसके बाद जो आप लोगों के पास चैप्टर है 2, 5, 8, चैप्टर नंबर 2, 5 एंड 8, इसमें से आप लोगों के पास दो दो MCQs आएंगे। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड द सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों के पास दो किस्म के सेक्शंस होते हैं। द सेक्शन नंबर 1 डील करता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों के पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। टोटल 8 सवाल आएंगे, 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। और तरतीब क्या होगी क्वेश्चन नंबर 2 में? चैप्टर नंबर 1 में से 3 सवाल आएंगे, 2 में से 3 सवाल आएंगे, 3 में से 2 सवाल आएंगे। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। इन दैट कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 1 कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 3 कंटेन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और इस सारे जंक्शन में से आप लोगों को 5 सवाल करने होंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कंसिस्ट करेगा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 4 में से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 सवाल आएंगे। अगेन आप लोगों के पास 8 सवाल हैं और इनमें से आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, जो कंसिस्ट करेगा चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। 7 में से 3 सवाल हैं, 8 में से 2 सवाल हैं और 9 में से 3 सवाल हैं। हमारे पास जो सेक्शन नंबर 2 है वो कंसिस्ट कर रहा है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पे। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 5, 6 एंड 7 और इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंसिस्ट करेगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। अब आप लोगों को एक अच्छा सवाल यह है, थ्योरी कहां से आनी है, न्यूमेरिकल कहां से आना है? तो बेटा देयर इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ रिस्क के कोई भी टीचर ये कंफर्म नहीं कह सकता कि अच्छा इसी में से ही थ्योरी आनी, इसी में से न्यूमेरिकल आना। चांस जरूर होता है, गेस भी होते हैं, चांस भी होता है, बट द वर्ड चांस इज हाईलाइटेड हियर, तो वो चांस ही रहता है।
आप लोगों को किसमें से थ्योरी आनी है, किसमें से न्यूमेरिकल आना, एक थ्योरी आएगी और एक न्यूमेरिकल आएगा, लाइक फाइव के दो पार्ट होंगे ए एंड बी, एक थ्योरी का पार्ट होगा, एक न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो चैप्टर नंबर टू और थ्री होगा। देन चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फाइव और सिक्स, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनमें से कुछ बोर्ड अक्सर फोर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सिक्स के साथ, या फाइव का भी बनाया जा सकता है सिक्स के साथ। सो हम ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं डिक्लेयर कर सकते फॉर एनी काइंड ऑफ बोर्ड कि नहीं जी फोर का कॉम्बिनेशन सिर्फ फाइव के साथ ही बनेगा। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन में से, जो चैप्टर नंबर सेवन और एट पे है, और यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 95% चैप्टर नंबर सेवन में से थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर एट में से न्यूमेरिकल आएगा अप टू 95%। बट मैं फिर भी प्रेफर आपको यही कहूँगी, एएलपी है, न्यूमेरिकल्स कम है, कोई इतने मुश्किल भी नहीं है, आप लोग तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको हल करें, उसको सॉल्व करें, कोई इतना मुश्किल पार्ट ये नहीं कि आप कहें हम कर ही नहीं सकते। और अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपको वो आपके लेक्चर्स, वो आपकी सीरीज़ कंप्लीट मिलेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।